बायोगैस उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात से बायोगैस की खपत देखते हुए केंद्र सरकार बड़े स्तर पर कदम उठा रही है। इसको लेकर नए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण करवाया जा रहा है, वहीं बन चुके प्लांटों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ लखनऊ में प्रेस वार्ता की। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र का शिलान्यास भी किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि बदायूं में जिस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है, उसकी विशेषता है कि ये प्लांट प्रतिदिन 14 टन बायोगैस का उत्पादन करेगा। इसके साथ ही हर दिन 65 टन खाद पैदा होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये भी बताया कि यूपी में 8 और नए प्लांट का शिलान्यास होगा। आने वाले दिनों में यूपी में 100 और बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के एक नए प्लांट उद्घाटन होने जाता है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र जो भारत सरकार की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों के माध्यम से स्थापित की जाएंगे, उनका शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। वेस्ट टू वेल्थ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को कैसे साकार किया जाता है या नवंबर प्रारंभ होते ही एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ऐसे ही किसानों की आमदनी को किसान को पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके और जिसको हम वेस्ट कहते हैं वह उसकी समृद्धि का कारक कैसे बन सकता है,